टू माई चैनल। और इस सुबह सुबह की शुरुआत मैंने की थी फ्राइडे से, बट मैं पूरी वीडियो शूट नहीं कर पाई। यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और भैया आ गए थे मंदिर लगाने के लिए, तो यहाँ पे ये मंदिर लगा रहे हैं। और थोड़ी सी वॉइस चेंज लग रही होगी, तो थोड़ी सी मुझे सर्दी हो गई है, तो इसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह के बज रहे हैं 10:30 और अभी आ गई हूँ मैं किचन में। अभी बनाऊंगी चाय, क्योंकि देखो मंदिर भी लग गया है यहाँ पे, मैंने पूजा भी कर ली है आप देख सकते हो, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। वहाँ पे जगह खाली हो गया है, तो वहाँ पे मेरे वैक्स हीटर वगैरह कुछ तो रखूँगी, क्योंकि क्लाइंट घर पे भी आते हैं कभी कभी, तो यहाँ करने के लिए। लेकिन जब आएंगे तभी लगाऊंगी, तो ये जगह मुझे खाली ही चाहिए था कुछ करने के लिए। और अभी एक सोच रही हूँ कि छोटा सा चेयर ले लूँ जो कॉर्नर में रख दूँ, तो मेरे काम के लिए भी ईजी हो जाएगा। तो शावर वगैरह हो गया, पूजा कर लिया, तो अभी और ये ड्रॉअर भी थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये जो जार खाली है ना, इसमें अभी सामान भरना है, बट मैंने अभी धो के ऐसे ही रख दिया है सब। तो चलिए फटाफट पहले चाय पी लेते हैं, और उसके बाद आज राजमा और कड़ी पकौड़ा बनाना है। तो राजमा यह मैंने फ्रीजर में से निकाल दिया, क्योंकि जब बनाना था तब मैंने बनाया नहीं था, तो भिगा के ऐसे ही रखी थी। तो चलिए फटाफट मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। फिर देखिए मेरी चाय और बाहर का व्यू कितना मस्त हुआ। आज तो धूप भी निकल गई है, और यहाँ पे प्लांट सोच रही इसमें आज जाके लेके आऊँ प्लांट लगाने के लिए, देखते हैं। तो यहाँ पे रख दूँगी, यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो फिलहाल इसको वॉश कर दिया है, आज तुलसी में अगरबत्ती लगाना भूल गई, तो बाद में कल लगाऊँगी। चलिए फटाफट मैं चाय पी लेती हूँ, और उसके बाद अभी खाना बनाना है, तो खाना बनाने में टाइम तो लगेगा ना, चलिए फटाफट कर लेते हैं। और कल रात को मैं 9 बजे सोई और सुबह 9 बजे उठी हूँ, सोचो मैं कितना नींद निकाली हूँ आज। क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नींद नहीं पूरा होने की वजह से ना मुझे थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, या तो फिर मुझे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। ऐसा पास की चीज़ें कोई चीज़ कर रही हूँ, या ऐसा दूर किसी को देख रही हूँ तो धुंधला धुंधला दिख रहा है। तभी वही सोच रही, देखने हैं क्या कैसे करते हैं। मैं सोचा चलो पहले नींद ही निकाल लेते, बाद में देखा जाएगा। आज तो मैं जिम नहीं गई, फ़ोन भी की थी मेरी फ्रेंड ने, तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं आऊँगी आज, ठंड भी थी बहुत और हाथ पैर भी दर्द हो रहे थे, एक दिन तो रेस्ट चाहिए ना। तो चलिए कोई नहीं, पहले चाय पी लेते उसके बाद मिलते। ओके, मैं आज केसर फालूदा बनाने जा रही हूँ, तो जिसको मैं बनाऊँगी कोकोनट मिल्क से, क्योंकि ये अभी कुछ दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता इसमें, सब कुछ मिक्स है, खाली कोकोनट मिल्क मिलाना है। आप इसमें नॉर्मल दूध भी मिला सकते हो, बट मेरे पास ये 2 पैकेट पड़ा था, तो मैं इसको यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक डेगची ले ली है, डेगची में ही मैं दूध को पलटी कर दूँगी, लेकिन ये फ्रिज में रखने की वजह से ना ये थोड़ा थिकन हो गया था, और ये ना बहुत ज़्यादा थिक था, और इसका टेस्ट भी मैंने तो खाया इसके बाद बनाने के बाद, एडिटिंग में बाद में कर रही हूँ। तो इसका जो टेस्ट था ना इस दूध में बनाने का, तो बहुत ही अलग था और बहुत टेस्टी भी लग रहा था। वैसे भी कोकोनट तो हमेशा अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पर देखिए 2 पैकेट खोल के रख लिया, इसको थोड़ा गर्म कर लेंगे क्योंकि ये जम गया है ना दूध। तो यहाँ पे देखिए ये घुल रहा है, इसमें मैंने आधा ग्लास पानी भी डाला है, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा है इसीलिए। तो ये जब थोड़ा गर्म हो जाएगा ना, तब वो फालूदा मिक्स डालेंगे, और उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको उबालना है। तो ये देखिए गर्म हो गया, इसमें हम लोग ये मिक्स कर देंगे पूरा, ये पूरा चीनी और फालूदा मिक्स है, इसको हिला लेंगे और इसको बॉईल करेंगे अच्छे से, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि कोकोनट मिल्क अच्छे से मिक्स होना चाहिए दोनों। और इसको 5 से 10 मिनट बॉईल करेंगे, और इसमें अभी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पैकेट में सब मिक्स ही आता है। और यहाँ पे देखिए ये रेडी है, और ये अभी और गाढ़ा होगा। इसमें मैंने थोड़ी सी इलायची डाली है, क्योंकि मुझे इलायची का स्वाद थोड़ा सा कम लग रहा था, और मुझे इलायची थोड़ा ज़्यादा पसंद है। ये जो सेवई है और फूलेगी, और इसमें का सब्जा और फूलेगा, तो ये और ठीक होगा। आप इसको आइसक्रीम वगैरह के साथ में खा सकते हो, बट मुझे ना ऐसे ही पीने को अच्छा लगता है। और फालूदा बनाने के बाद से मैंने उसको रेस्ट पे रख दिया है, मतलब ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मैं अभी तैयारी कर रही हूँ राजमा बनाने के लिए और कढ़ी पकोड़ा बनाने के लिए। तो पहले राजमा के लिए ना मैं प्याज वगैरह कट कर लूँगी। राजमा मैंने भिगाया था बट बॉईल नहीं किया था, आज उसको डायरेक्ट कुकर में ही बनाएंगे, और फटाफट बन भी जाएगा और बहुत टेस्टी भी लगता है।
और यहाँ राजमा बनाने के लिए मैंने कुकर रख दिया है, तो इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। मैं थोड़ा सा ही राजमा बना रही हूँ, आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं उतनी क्वांटिटी में ऑयल या मसाले यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ज़ीरा हम लोग डाल देंगे, सूखी लाल मिर्ची और तेज़पत्ता डाल देंगे और हींग डाल देंगे। तो आज मैंने राजमा को बॉईल नहीं किया है, डायरेक्ट कुकर में ही बना रही हूँ। और इसमें दो छोटे साइज़ के प्याज मैंने कट किए हैं, तो ये डाल देते हैं और इसको भून लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे अदरक, लहसुन, मिर्ची, एक टमाटर और एक छोटा प्याज मैंने पीस लिया है और सूखी दो लाल मिर्ची कश्मीरी वाली पीस ली है, इसको डाल देंगे। और अब इसको चला लेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक मसाले अच्छे से तेल ना छोड़ दें। इसमें पाउडर मसाले भी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सूखी लाल मिर्ची, राजमा मसाला, स्पेशली राजमा मसाला आता है यहाँ पे, गरम मसाला और यह धनिया जीरा पाउडर, तो इसको भी डाल देंगे। राजमा मसाला आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, तो इसको मिक्स कर देंगे। और आपको ज़्यादा लाल कलर चाहिए तो आप कश्मीरी मिर्च का यूज़ कर सकते हो, मैंने वैसे कश्मीरी मिर्च दो पीसा है। और इसको अभी मसाले को तेल छोड़ने देंगे। तो अभी इसमें राजमा डाल देंगे और राजमा का साथ थोड़ा भूनेंगे इसको। तो यहाँ पे आधा कप मैंने राजमा भिगाया था जो फूल के एक कप हो गया है, तो इसको अभी अच्छे से भूनेंगे इसमें। नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अभी 2 मिनट अच्छे से भूनेंगे, फिर पानी डाल के प्रेशर लगा देंगे। भून गए तो इसमें पानी डाल देंगे। और मैं ये जार से एक जार पानी डाल रही हूँ, आप कितना पतला कितना थिक खाते हो उस हिसाब से आप पानी डाल दीजिए। और इसको अभी बॉईल कर लेंगे, क्योंकि राजमा अभी गला नहीं है तो इसीलिए ये कुकर में गलेगा, इसीलिए थोड़ा पानी ज़्यादा ही डालें। तो अब इसको ढक्कन लगा देंगे और कम से कम 6 से 7 सीटी लगा लेंगे। अगर राजमा आपका बॉईल है तो 6-7 सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इसको मीडियम गैस पे ही मैं 6-7 सीटी लगाऊंगी। और जब तक राजमा बॉईल हो रहा है, मतलब पक रहा है, तब तक पकोड़े की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है, उसमें नमक डाल रही हूँ, फिर थोड़ा सा हल्दी डालूँगी, जीरा, हींग और ये सब चीज़ें डाल के थोड़ा थिकन बैटर बना लूँगी। और इसमें पिंच ऑफ सोडा डालूँगी ताकि जो हम पकौड़े बनाए ना तो वो फुला फुला बने और अच्छा बने। और जब आप बैटर बनाए ना तो ठीक ही बनाना, ज़्यादा पतला मत बनाना, नहीं तो पकोड़े ना अनशेप होते हैं और फैल जाते हैं कढ़ाई में। तो आप देख सकते हैं मैं कितना ठीक बना रही हूँ बैटर को। तो जब इसको फेंट लेंगे ना, उसके बाद ही हम इसके अंदर पिंच ऑफ सोडा डालेंगे। आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हो, बट मैंने बेकिंग सोडा डाला है, जो कुकिंग सोडा आता है वो डाला है। और इसके बाद मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद से इसको मैं छोटे वाले कढ़ाई में तेल डाल के इसको पका लूँगी। बहुत लोग बोलते हैं, मैं अलग अलग तरीके का पकौड़ा कढ़ी बनाती हूँ, जैसे उड़द के दाल का भी बनाती हूँ, वो रेसिपी भी मेरे चैनल पे अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। फिर बूंदी वाली कढ़ी भी बनाती हूँ, बूंदी डाल के, सेव डाल के, ये सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, तो आप लोग इसी चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो थिक बैटर बनाने के वैसे गोल गोल पकौड़े उतर रहे हैं और काफ़ी अच्छा भी लगता है। और ये वाले ना पकौड़े कढ़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसको आप ना जो हम सब्जी का मसाला रेडी करते हैं ना, ऐसा पकौड़ा बना के आप डाल सकते हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए पकौड़े तैयार हो गए, तो इसको मैं निकाल लूँगी, बाकी के सारे बैचेस फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद से यहाँ पे कढ़ी का तैयारी कर रही हूँ। तो बेसन ले लिया उसी बाउल में, नमक, हल्दी, दही, आप कितना थिक खाते हो उस हिसाब से बेसन ले लेना। मैंने 1/4 जितना ही लिया है, 2 टेबल स्पून ही लिया है बेसन। उसमें दही, नमक, हल्दी डाल के मिक्स कर लूँगी, और जितना पानी चाहिए उतना। इसमें मैंने इतने में 2 ग्लास पानी डाला था, क्योंकि कढ़ी है ना काफ़ी अच्छे से बॉईल करने को चाहिए। अगर बॉईल नहीं करेंगे ना तो कढ़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। बोलते हैं ना, कढ़ी जितना ही खदकता है, जितना ही बॉईल होता है, उतना टेस्ट नहीं लगता है। तो यहाँ पर डेगची गर्म हो गई है और ये तेल डाल देंगे हम लोग। और यहाँ पे देखिए तड़के में मैंने लहसुन, मिर्ची, कड़ी पत्ता, गोल वाली मिर्ची और राई, जीरा, मेथी लिया है, इसको डाल देंगे, अच्छे से भून लेंगे।
और हींग डाल देंगे। और इसमें एक छोटा प्याज डाल देंगे। और तड़का रेडी हो गया था, तो मैंने इसमें कढ़ी का जो बैटर है वो मैंने डाल दिया है। और इसको कंटिन्यू हिलाना है, अगर आप नहीं हिलाओगे ना तो बेसन जो दही होता है ना फट जाएगा और वो दानेदान नहीं दिखेगा, वो अच्छा नहीं लगता है। तो जब तक ये बॉईल हो रहा है तब तक मैं शॉर्टकट में जीरा राइस बना रही हूँ। तो यहाँ पर सेम कढ़ाई में तेल निकाल दिया, थोड़ा सा घी डाल दिया, जीरा, काजू, सूखी लाल मिर्ची, तेज़पत्ता, लवंग और काली मिर्च डाल के और दालचीनी डाल के मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और उसको डायरेक्ट टोप में ही चावल के टोप में पलटी कर दूँगी, तो आपका बहुत ईजिली शॉर्टकट जीरा राइस रेडी हो जाता है। तो टोप में मैंने राइस बना लिया था और इसमें पलटी कर दूँगी। आप चाहिए तो कढ़ाई में ही मिक्स कर सकते हैं, बात वही है, उसमें डालो चाहे इसमें। मेरी राइस गर्म थी इसके लिए डायरेक्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया। और यहाँ पर ये जीरा राइस शॉर्टकट तरीके से रेडी है और खाने में कोई डिफरेंट नहीं है, सब अच्छा ही लगता है। तो चलिए मैं फटाफट कढ़ी को तड़का लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए घी में मैंने रेड चिली पाउडर डाल के तड़का लगा दिया है और इसको धनिया से गार्निश करेंगे। इसको मैंने आधा घंटा बॉईल किया था क्योंकि पानी मैंने ज़्यादा डाला था। और यहाँ पे ये हो गया और राजमा भी हो गया है, तो यहाँ पे कढ़ी देख लीजिए और राजमा में भी धनिया डाल के इसको सर्व करते हैं। मैं टेबल की तैयारी कर रही थी और यहाँ पर जीरा राइस रेडी है। मिलती हूँ वीडियो बनाने के बाद। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे। कल मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था और खाना वाना बनाने के बाद ना मैंने दोबारा ब्लॉगिंग नहीं की, जबकि मैं नीचे गई थी, नीचे से ऊपर आई, क्योंकि वैसे रात को मैंने कुछ बनाया नहीं था, जो बचा कुछ था वही खाया। अभी थोड़ा राजमा था तो मैंने उसको गर्म करके रख दिया। तो फिलहाल अभी चाय पी के बैठी हूँ और अभी शावर लेना है, तो अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ कि भाई नहाना है, ये ठंड बहुत है ना, तो ठंड की वजह से नहाने का टेंशन ही लग रहा है। तो बस वही सोच रही हूँ कि थोड़ा नहाया जाए और बाहर का वेदर तो एकदम मस्त हुआ है, बाहर निकलने का मन है, लेकिन ये धूप में निकलेंगे तो स्किन तो काली हो जाएगी, तो इसके लिए अभी मैं नहीं निकल रही हूँ। तो अभी फटाफट नहाने को जाती हूँ। चाय सुबह आज मैंने ली, पहले ही पी ली नहाने से पहले, ब्रश वगैरह करके। देखिए उससे पहले मैंने मेरी दवाई ली थी 6 बजे। जिस दिन संडे होता है ना उस दिन जल्दी नहीं खुल जाता, और जिस दिन बाकी दिन रोते हैं तो उस दिन लेट ही खुलता है, पता नहीं क्यों। तो चलिए फटाफट नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद दिन की शुरुआत करते हैं। आज थोड़ा सा मुझे कुरमुरा वगैरह फ्राई करके रखना है स्नैक्स के तौर पे, तो आज वो काम करूँगी। थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह रहता है ना तो खाने के लिए इजी पड़ता है, तो मैंने वही सोचा कि थोड़ा भी फरसान वगैरह है तो उसमें थोड़ा सा मिक्स विक्स करके थोड़ा सा स्नैक्स बनाते हैं, सूखा स्नैक्स जब दिल करे तब खा सकते हैं। हिचके आ रही है। तो चलिए फटाफट मैं नहा के रेडी होती हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और फाइनली शावर ले लिया है, बाल बाल धो लिया, पूजा पाठ हो गई, तो अभी चलते हैं कुछ नाश्ता वगैरह बनाते हैं। क्या नाश्ता बनाऊँ वही सोच रही हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि नाश्ता बनाऊँ क्या। तो देखिए पूजा मैंने कर ली है और अभी बाल सुखाने के लिए रखे हैं, तो चलिए फटाफट नाश्ता बनाते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ प्याज और मिर्ची डाल के मूंग का फ्राई, और वहाँ पे चाय हो रही है, तो इसको चलिए बना लेते हैं पहले। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हल्दी नमक ही डाला है मैंने, डाला नहीं अभी डालना है। वो यहाँ पे देखिए चाय और ये मूंग फ्राई, बहुत अच्छा लगता है ये खाने को, घुघनी के जैसा ही लगता है, खाली चने के और मटर के जगह पे मूंग है। और बाहर धूप बहुत अच्छी खासी निकली है, लेकिन धूप में नहीं बैठ सकते, तो चलिए इसे खा लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। अभी वो स्नैक्स बनाना है ना, तभी मिलूँगी। और यहाँ पे आ गई किचन में, और जो दीदी ने गुजरात से फरसान लाया था ना, तो थैली में रखने से ना थोड़ा हवा लग गया था तो नरम पड़ गया था, तो मैं ना इसको गर्म करती हूँ। जब भी मेरा फरसान, मतलब जो भी फरसान घर में रहता है, नरम पड़ जाता है ना, तो मैं उसको गर्म करती हूँ तो वापस क्रंची हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने फ्राई कर लिया है और इसको निकाल लेंगे। मैंने इसमें कुछ डाला नहीं है और निकालने में दिक्कत हो रहा था तो मैंने वीडियो बंद करके निकाला। और साथ ही मैं इसी पैन में मैं थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, ये सरसों का तेल है, आप जो तेल खाते हो वो डाल देना। तो यहाँ पे देखिए मैंने राई का तड़का लगा रही हूँ, राई राई, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, यूजुअली जो फ्राई करने में लगता है वही मैं डाल रही हूँ, जैसे कुरमुरा वगैरह फ्राई करते ना। और साथ में हल्दी नमक डाल के और सिंगदाना डाल के भून लूँगी
और अच्छे से और स्लो गैस पे भुनना है, नहीं तो हल्दी नमक जल जाएगा। तो मैंने, आप देख सकते हो, मैंने गैस का फ्लेम लो ही रखा है, एकदम लो है, और इसी में सिंगदाना जब फ्राई हो जाएगा तो कुरमुरे को डाल दूंगी। और यहाँ पे देखिए ये फ्राई हो गया ऑलमोस्ट, मतलब ये सिंगदाने फट गए, मतलब फटते हैं तो पता चल जाता है कि ये फ्राई हो गए और काफ़ी अच्छे क्रिस्पी हो गए थे। तो इसमें ना मैं अभी कुरमुरा डाल दूंगी और आधा कुरमुरा बचा के रखूंगी क्योंकि मैं लड्डू बनाने वाली हूँ कुरमुरे के, तो इसलिए तो मैं थोड़े ही लड्डू बनाऊंगी। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और ये ना बहुत टेस्टी लगता है। ऐसा बना के रखेंगे ना तो सिर्फ बाद में इसमें क्या करने का, बॉईल आलू, हरी मिर्ची, धनिया, प्याज, टमाटर, नींबू डाल के मिक्स करके खाने को बहुत टेस्टी लगता है भेल के जैसा। तो इसको तो मैं डब्बे में रख दूंगी अच्छे से, और इसको फिर से मैं 5 से 10 मिनट कुक कर लूँगी और उसके बाद से ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो स्नैक्स रेडी है, कभी भी इसको खाइए, इसको ठंडा करके ना डब्बे में भर दीजिए और कभी भी दिल करे चाय के साथ खाइए, और ये हेल्दी वर्जन भी है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए अब मैं बना रही हूँ हलवाई स्टाइल आलू करी, और ये बहुत टेस्टी लगता है, सीरियसली आप ये ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया है, इसमें मैं सूखी लाल मिर्ची, काली मिर्च और जीरा डाल दूंगी। सॉरी मुझे हिचकी भी आ रही है वॉइस ओवर कर रही हूँ तो। और ये जब चटक जाएगा ना तो इसमें मैं जो टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्ची का पेस्ट डाल दूंगी। मेरे पास प्याज नहीं था इसके लिए मैंने प्याज नहीं डाला, क्योंकि वेजिटेबल लाना है, अभी लाने को टाइम नहीं मिल पा रहा है तो इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए डाल दिया है, सिर्फ इसमें टमाटर, लहसुन, मिर्ची, अदरक यही मैंने डाला है, और साथ में हल्दी, नमक, धनिया जीरा पाउडर, मैगी मसाला, गरम मसाला और रेड चिली पाउडर मैंने डाल दिया है। और इसको भून लेंगे, और इसको ना तेल छूटने तक भूनना है, बहुत टेस्टी लग रहा है। मैंने इसकी वीडियो शूट की है, आप लोग ने देखी भी होगी, नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए फूडी एसेस पे। और यहाँ पे मैंने बॉईल आलू डाल दिया है, इसमें आप सोयाबीन भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं, आपको जो सब्ज़ी चाहिए इसके साथ मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिक्स हो गया और बहुत फटाफट ही रेडी हो जाता है, कोई तामझाम नहीं है। लेकिन मैगी मसाला ज़रूर डालना, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है क्योंकि ये जब ना ग्रेवी पकती है ना तो थिक हो जाती है। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया है, अब इसमें सिर्फ हरा धनिया डाल दूँगी और रेडी हो जाएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो यहीं तक थी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, और सारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ चेक कर लेना। और भी बोलना है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कीजिए। साथ साथ मैं इसके साथ खाने के लिए पूरियां तल लूँगी और खस्ता पूरियां बना रही हूँ, इसमें मैंने जो समोसे के लिए मोइन लगाते हैं वैसा मैंने लगाया है, और बहुत यम्मी लगता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लास्ट में मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने प्लेटिंग कैसी की है, और आप मेरे मुकबंग चैनल पर भी जाके इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते, देख सकते, ठीक है। चलिए मिलते हैं बाद में, लेकिन चैनल पर जो न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।